हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से एलोन आजाद आपके लिए आ चुका है, तो नया कॉन्टेक्ट लेके आया है पटना बाईपास। तो यहाँ आपको तो अभी का कोई शूट है नहीं, बस अभी देखने के लिए आए थे। तो नाइट में आएंगे जब तो आपको दिखाएंगे यहाँ का लोकेशन कैसा है। नहीं है बहुत ही भयानक है दोस्तों, आप यहाँ का देख सकते हो बैकग्राउंड कितना खतरनाक है, इतना खतरनाक है जितना बोलना भी नहीं चाहिए उतना। आप एक बार दिखा सकते हो भाई, पर अभी हम करेंगे नाइट में। ठीक है भाई, अभी बंद कर दो। देख सकते हो यहाँ की कितनी डरावनी जगह है, यहाँ से आने का किसी को अलाव भी नहीं है कि शाम के वक्त उसके ऊपर हो तो यहाँ कोई नहीं आता है। पर चलिए आप सोचते हैं, आप देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ शाम में मतलब लोग क्यों नहीं रहना चाहते हैं, सामने हो तो कोई नहीं रहना चाहते हैं। जैसे कि ये बहुत अंदर है और कितने दिनों से बंद है, ये खतरनाक जगह है, इसलिए यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। ठीक है, खतरनाक आवाज़ आती है यहाँ डर की माया। यहाँ जो इतना मतलब जंगल जो इतना खतरनाक देखने में लग रहा है, जैसे ये भी तो होता होगा रात में बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आती होंगी। यहाँ अगल बगल में कोई घर नहीं है, किसी डर की वजह से यहाँ देख लेते हैं क्या मतलब बैकग्राउंड पूरा मतलब खतरनाक है। जैसे कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है, नहीं है तो आप बोलिए कि यहाँ पे मतलब ये कितने सालों से बंद है, ये तो बता सकते हैं। 10 से 15 साल। तो ठीक है भाइयों, तो हम आपको दिखाते हैं कि इसके भीतर में क्या है। तो चलिए ना, तो हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, अब जाइए। तो चलिए कोई बात, तो आप चला जाए भीतर। जैसा कि आप देख सकते हो शाम के वक्त यहाँ क्या होता है, नहीं होता है, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भीतर जाने की। तो पहला जहाँ का देख लेते हैं, आपको व्यू दिखा देते हैं कि क्या है नहीं है। जहाँ तक आपको मतलब सूरज फोकस जाएगी वहाँ तक आपको अंदर जा के बताऊंगा कि अंग्रेज लोग कैसे काम करते थे और ईटे के बैठे में से कैसे बनाते थे। क्योंकि आप देख सकते हो मतलब पहले एक घर टाइप का था जो मतलब पूरा जंगल लग चुका है, जिसे आप भीतर जाने में भी नहीं बन रही है किसी को भी, कैसे जाए नहीं जाए। 10 साल 15 साल पहले ही सुनने के लिए मिल रहा था कि ये बंद हो चुका है, जो आप के समझ सकते हो। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, तो इसलिए जल्दी से अंदर चला जाए। तो आगे आप बने। ये देखिए नीचे का बैकग्राउंड हुआ, जो आप देख सकते हो मतलब देख सकते हो भीतर में कैसे ईंटे को पकाया जाता था और कितना ही ज्यादा हुआ है। जो आप ये सब पैक रहता है पर ये खुला हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी घटना घट चुकी है या होने वाली है। तो आगे आप देखिए, और अभी बहुत कुछ है, अभी यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। जो ये देखिए, ये बंद रहनी चाहिए पर ये खुली हुई है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ बहुत तरह की बात सुनने के लिए मिली है, जो बात है यहाँ पे आपको महीने में या साल में कुछ ना कुछ घटना घटती ही रहती है।
क्योंकि बहुत कुछ सुनने के लिए यहाँ के बारे में मिला है, इसलिए हमने सोचा है कि हमने सोचा है घुमा के भी दिखाएंगे हमें। तो मुझे इस लोकेशन के बारे में बहुत सारे आदमियों ने बताया, पर बहुत ज़्यादा मतलब जब मैंने यहाँ आके देखा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी और बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लगा, क्योंकि मेरे पास और भी लोकेशन था तो हम वहाँ भी जा सकते थे, पर कोशिश अच्छा लगा ये बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम सोचे कि पहले यहाँ देख ले क्या है नहीं है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर कितना ज़्यादा मतलब खतरनाक लोकेशन है, जो ऊपर जाने के बाद आपको पता चल ही जाएगा क्या है नहीं, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी, और इसका अनुभव आप लगा सकते हो कि यहाँ पे कोई नहीं आता होगा, कोई नहीं, मेरे अंदाज से हम कह रहे हैं ना कोई नहीं आता होगा। जो दोस्तों आप देख सकते हो, आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जब आया उसको कोशिश करके दिखाई दूंगा। आप देख सकते हो दोस्तों कि चारों तरफ जंगल ही जंगल, जहाँ पे जो कोई बात कही होगा कि बिना जंगल का कुछ नहीं, आप दूर तक देख सकते हो यहाँ पे एक भी घर का कोई बात नहीं। जो बात दोस्तों आप समझ रहे हो, जैसे जैसे कि हम अभी आपको मतलब कह रहे ना, इतना हॉरर टाइप का है, इतना ये हॉरर टाइप का है जो कहने में भी मतलब सोच रहे हैं कि क्या क्या है। तो दोस्तों आप ऊपर चला जाए, क्योंकि अभी न का तो बहुत ही ज़्यादा सीन है और बहुत ही खतरनाक भी है जो बात है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि मैं नाइट में ही ज़्यादातर शूट करता हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ विजिट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ के बारे में इतना ज़्यादा सुना हूँ ना, इसलिए मैं सोचा कि पहले यहाँ विजिट ना करूँ तो रात में मैं यहाँ कुछ कर नहीं पाऊँगा, इसलिए दोस्तों कि थोड़ा और ऊपर आ जाए। अंदाजा लगा सकते हो कि अभी यहाँ ये हाल है, तो नाइट में मेरा क्या होगा वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। आप देख सकते हो भाई, क्योंकि इसी के नीचे ईंटे को मतलब पकाया जाता था, इसी के नीचे। आप देख तो भाई आइए, आप तो थोड़ा जल्दी हो जाए, यहाँ का लोकेशन बहुत ख़राब है और काम भी होती जा रही है। आपको सुरंग भी दिखाएंगे, सुरंग बहुत ज़्यादा ही है खतरनाक, तो आप नीचे ही देख सकते होंगे। आपको सब भाई हम नाइट में बनाएंगे वो कितना ज़्यादा वहाँ पे सुरंग है मना। तो भाई आप देख सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा दोस्तों आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक सुरंग भी है, आप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसका कोई ना लगाया जाए तो कोई ठीक रहेगा। हम तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके भीतर यहाँ से निकलने में ही ठीक है, क्योंकि आप यहाँ जा रहे, क्योंकि नाइट का अभी प्रोग्राम है नहीं, क्योंकि हम सिर्फ विजिट करने के लिए आए थे, ये आपको हम बोल चुके हैं। यहाँ पे विजिट हो चुका है, बहुत जल्द नाइट का वीडियो यहीं का अपलोड होगा। आप देख सकते हो भाई, यहाँ का लोकेशन हुआ आपको बन रहा है बाईपास, जो आप चाहो तो आके देख सकते हो, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे तो आपको झूठ बोल रहे, आप जब भी चाहो आप आगे दे सकते हो। तो भाई जैसा कि आप जानते हो कि कमेंट में बहुत गलत गालियाँ भी सुनने के लिए मिल रहा है, जो कि कहा जाता है कि मतलब जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, वो हो रहा है मतलब बहुत से मतलब जो दोस्तों जो भाइयों लोग मुझे प्यार दे रहे हैं बस उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। अब मैं फिर आऊँगा रात में, यहाँ का पूरा लोकेशन आप बने रहें, आपका भाई एलोन आज़ाद बहुत जल्द फिर आएगा। बाय।